माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप सब सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आ जाता आज के वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो जो है मेरा, वो मेहंदी के कोन कैसे बनाया जाए उस पर है। मेहंदी कोन को फील कैसे करें, एक्चुअली मेहंदी कोन कैसे बनाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाला है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेहंदी के पेस्ट को कैसे भरते हैं। मैंने आज होममेड मेहंदी का कोन बनाया था, वो अलग से बनाया था, वो अलग जगह पर रखा। और ये जो है कोन, ये इस्तेमाल करने के लिए है। तो पहले मैंने पेस्ट को इसके अंदर डाला और इसको हाथों से दबा के नीचे के साइड कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे कोन में सिर्फ हवा ही हवा भरा रहेगा और इससे ना तो काम अच्छा होगा ना ही आपको आसानी होगी। तो जब भी आप को पेस्ट को भरें तो उसको अपने उंगलियों के सहारे नीचे की तरफ को धकेल दें ताकि वो पेस्ट सीधा टिप तक पहुंचे। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको हाथ में लेना है और उसके बाद इसको रब करते रहना है। अगर आप रब नहीं करोगे या उसको मतलब थोड़ा सा रब नहीं करोगे तो जो इसके अंदर का जो हवा होगा वो बाहर नहीं आएगा। और एक्चुअली ये ब्राइडल कोन बना रही थी, ब्राइडल के कोन थोड़ा सा पतला होना चाहिए और इसी वजह से उसको विदाउट एयर करना ज़रूरी है। इसके अंदर जितने भी एयर होंगे कोन के अंदर, आपने अगर उसको नहीं बाहर निकाले तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। तो ज़रूर जब भी कोन में पेस्ट को आप डालें तो याद रखें कि थोड़ा सा डालने के बाद उसको अपने हाथ पर टैप ज़रूर करें या उसको रब ज़रूर कर लें ताकि वो उसके अंदर का जो हवा है वो निकल जाए और आपके पास सिर्फ पेस्ट रह जाए विदाउट एनी एयर। अब इसके बाद हमको सेलो टेप काटना है थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग जो है इस कोन के ऊपरी हिस्से में उसको सिक्योर करेंगे, उसके बाद उसको ठीक से बनाएंगे। तो अभी देख लीजिए कि कैसे करना है। पहले आप प्लीज़ रब कर लीजिए, इसका एक ही कारण है बोलने का, ताकि आपको नीट मेहंदी का कोन मिले और जिससे आपको काम करने में आसानी हो। तो ऐसे ही जो कटी हुई साइड है उसको हम लोगों को ऐसे सेलो टेप से सिक्योर कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर आपकी मेहंदी लीक कर रही है तो उसका एक ही कारण है कि आपकी मेहंदी लीक ऐसी करेगी कि आपने प्रेशर अगर ज़्यादा डाल दिया है तो आपकी मेहंदी लीक हो सकती है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखिए। और अगर ये स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे आप तो इसकी वजह से एक ही चीज़ होगा कि आपका जो मेहंदी का कोन है वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा और वो लीक नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैंने आज ये ट्रिक किया है। होप आप लोग भी इससे आप लोगों को भी आसानी होगी जो मेहंदी आर्टिस्ट है। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ये बस ट्रिक्स एंड टिप का एक वीडियो था। तो आज चलती हूँ मैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।